हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ल विद क्रिएटिव माइंड। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल मेकअप लुक। जैसे कि आप जानते हैं, वेडिंग सीजन चल रहा है, शादी पार्टी में जाना होता है, तो उसी के लिए मैंने ये ट्यूटोरियल निकाला है जो कि बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा आई मेकअप है, यू कैन सी। सो अगर आप जानना चाहते हैं मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है, तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी मत करना भूलिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और बाकी सारी जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं उनका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना आज बेस तैयार करेंगे। वैसे मैं कुछ वीडियोस में आई मेकअप भी पहले करती हूँ, बट इसमें हम बेस तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको लेना है मॉइस्चराइज़र। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने मामाअर्थ का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लिया है। बेसिकली फेस मॉइस्चराइज़र ही है, तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं स्किन पे, बट ये अप्लाई आपको ज़रूर करना है अगर आप अपना मेकअप को बहुत अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग तक रखना चाहते हैं। और इसको मैंने हाथ से ब्लेंड किया, और ये है मेरा प्राइमर ब्लू हेवन का। आप कोई भी प्राइमर ले सकते हैं, ये जेल प्राइमर है। और इससे क्या होता है, जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं वो सब क्लोज हो जाते हैं, और जो हमारा बेस होता है वो बहुत ही चिकना और बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारे ओपन पोर्स क्लोज हो जाते हैं, इसीलिए जो हमारा बेस होता है वो बहुत क्लीन दिखता है। और ये है मेरा फिटमे का फाउंडेशन। आप कोई भी फाउंडेशन ले सकते हैं, अगेन जो भी आप यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और, अगर आपके पास प्राइमर अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जेल जगह पर एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी प्राइमर की तरह ही काम करता है। और इसको मैं इसी अपने ब्यूटी स्पंज से ब्लेंड करूँगी, और ये मैंने पहले गीला कर लिया है, उसके बाद ही मैं इससे अप्लाई कर रही हूँ अपना फाउंडेशन। क्योंकि अगर आप सूखे स्पंज से फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो जो आपका बेस है वो काफ़ी केकी हो जाएगा और आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फ्रेंड्स, आपको मैं अपनी वीडियोस में काफ़ी कुछ क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, काफ़ी ट्राई करती हूँ कि जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ, जो मेकअप मैं कर रही हूँ, आपको चीज़ें सारी एक्सप्लेन करूँ अच्छे से, आपको समझ आए। तो अगर आपको कहीं कुछ भी कभी ऐसे कुछ होता है कि आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, कुछ क्लियर नहीं होता, तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में क्लियर करें, मैं ट्राई करूँगी आपको आंसर करने का। और ये है मेरा कंसीलर जो कि मैं अपने कुछ फेस पर अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ जहाँ से अपने मुझे अपना फेस हाईलाइट करना है, आईज़ के नीचे, माउथ के पास में, नोज़ पर, फोरहेड। और इसको भी मैं सेम स्पंज से ब्लेंड करूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि अगर कोई मेकअप करना चाहता है जिसको नहीं आता है तो वो मेरी वीडियोस को देख के इजीली मेकअप कर सकें। और ये है मेरा कॉम्पैक्ट। तो जहाँ जहाँ हमने कंसीलर लगाया, सिर्फ वहीं वहीं से हम अपने जो बेस है उसको सेट करेंगे कॉम्पैक्ट से। और ये है मेरी कॉन्ट्रोर स्टिक, इससे अब हम करेंगे कॉन्ट्रोरिंग। बेसिकली फेस को स्लिम दिखाने के लिए, एक शेप देने के लिए हम कॉन्ट्रोर करते हैं। और इसे भी मैं सेम प्यूरी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी। यू कैन सी। और अब मैं फिर अपने पूरे फेस को कॉम्पैक्ट से सेट करूंगी। कॉम्पैक्ट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, बेस को रेडी करने के बाद ही एक तरीके से आपका जो मेकअप है वो एक जगह फ्रीज कर देता है और वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ख़राब नहीं होता है। और ये है मेरा ब्रश, एक एंगल ब्रश, जिससे मैं अपनी आईब्रोज़ को सेट करूँगी। और मैं ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ, और ये मैंने अपने आई शेडो पैलेट से ही डार्क ब्राउन लिया है, और उसी से मैं अपने आईब्रोज़ को सेट कर रही हूँ।
तो आपकी आईब्रोज़ का जो भी कलर है ब्लैक ब्राउन वो आप कलर ले सकते हैं। अगर आईब्रो पेंसिल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम करेंगे आई मेकअप स्टार्ट। तो साइड में अगर आपके पास इस तरह का टेप नहीं तो कोई भी आप नॉर्मल सेलो टेप वगैरह ले सकते हैं। और ये मैंने थोड़ा लूज़ पाउडर कह सकते हैं लूज़ पाउडर लिया है जो मैं अपने आईज़ के नीचे और चेक्स पर लगा रही हूँ, सो दैट जो आई मेकअप हम करेंगे उसका कोई भी अगर कलर फेस पर गिरता है तो हमारा बेस ख़राब नहीं होगा। और ये मैंने सबसे लाइट शेड लिया है और ये मैं भूल गई हूँ। तो आज हम सबसे पहले अपने ब्रा बोन को हाईलाइट करेंगे सो दैट जब हम पूरा आई मेकअप कर लेंगे तो उसके बाद हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार क्या होता है, हम पूरा आई मेकअप कर लेते हैं और उस वक्त हम अपनी ब्रा बोन को हाईलाइट करते हैं तो जो वो थोड़ा फैल जाता है तो हमारा आई मेकअप थोड़ा ख़राब लगने लगता है, इसीलिए इसको पहले अप्लाई किया है आज मैंने। और ये है थोड़ा डार्क शेड और मैं अब इस कलर को अपने आई लिड पर अप्लाई करूँगी। और ये काफ़ी फ्लफी ब्रश है जिससे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, ब्लेंडिंग का बहुत ध्यान रखें, ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होनी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ग्रे कलर लिया है और ये इस ब्रश से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ बेसिकली मैं। एंड यू कैन सी ये मैंने हाफ कट क्रीज क्रिएट किया है और अब मैं ये आपको दिखा भी रही हूँ कि मैंने कैसे क्रिएट किया है। ये मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन ले सकते हैं आप, ये मैंने कंसीलर लिया है जो अपने मैं लिड पर अप्लाई कर रही हूँ अपने फ्लैट ब्रश से। एंड यू कैन सी, और अगेन ये लाइट शेड है जो मैं अपने फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने जो मैंने कट क्रीज क्रिएट किया है उस पर अप्लाई करूँगी। और ये है मेरा लिक्विड ग्लिटर और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने लिप पर। यू कैन सी, आप चाहें तो इसको इतना भी रहने दे सकते हैं बट मैं इसमें थोड़ा ग्लिटर अप्लाई करूँगी। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ अगेन डार्क शेड जो अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। ये बोथ साइड मैंने सेम स्टेप किया है एंड यू कैन सी थोड़ा सा मैंने इसको अपने लिड पे आगे की तरफ भी अप्लाई किया है, आप ये देख पा रहे होंगे। और अब मैं एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ अगेन डार्क ग्रे कलर से सो दैट मेरा जो कट क्रीज है वो काफ़ी शार्प दिखे। ये है मेरा पिंक ग्लिटर जो कि इस ग्लू को मैं पहले अप्लाई करूँगी अपने हाफ कट क्रीज पर, उसके बाद मैं ग्लिटर अप्लाई करूँगी। अगर आप ग्लिटर नहीं यूज़ करना चाहते फ्रेंड्स तो इतना ही आई मेकअप ये कम्प्लीट है, आप इस पर आई लाइनर लगा के अपने आई मेकअप को यहाँ पर फिनिश कर सकते हैं। बट मैं इसको थोड़ा और प्रिटी लुक देने के लिए पिंक ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। और ये है मेरा स्केच आईलाइनर जो कि ब्लू हेवन का है और एक मैं काफ़ी अच्छा सा विंग इसे रेडी करूंगी अपने आई पर। यू कैन सी सो ब्यूटिफुल आई, अगर आप इस तरह का मेकअप अप्लाई करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। ये है मेरे फेक लैशेस जो कि मैंने ऑफ कैमरा अप्लाई कर लिए हैं। अगर आपको फेक लैशेस पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं और अपने मश्कारा से ही काफ़ी अच्छे लैशेस अप्लाई कर सकते हैं, उनको क्रिएट कर सकते हैं। और एक चीज़ और फ्रेंड, आज मैं मश्कारा यूज़ नहीं कर रही हूँ अपने आईज़ पर। अगर आप मश्कारा यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बट आज मैंने मश्कारा बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। और ये थोड़ा मैं अपनी वाटर लाइन के बाहर थोड़ा स्मोकी लुक दे रही हूँ तो वहाँ पे मैंने डार्क कलर और उसके साथ में मैंने ब्लैक शेड लिया है। और यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा अपना लिक्विड ग्लिटर जो मैंने आईज़ पर अप्लाई किया था वही मैं थोड़ा सा अपना इनर कॉर्नर के पास में अप्लाई करूँगी और अब हम इसको रिमूव कर देंगे। और ये है मेरा मेबलिन का ब्लशर और इसमें से हम ब्लश अप्लाई करेंगे। आप कोई भी ब्लश यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स जो आपके पास है।
और ये है मेरा मेबलिन का हाइलाइटर, ये गोल्डन हाइलाइटर है जो मुझे बहुत पसंद है, और आप इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा ये हाइलाइटर है। और ये है मेरा लिप लाइनर, जो कि अब मैं लिप कलर अप्लाई करूँगी, बट उससे पहले मैं ये लिप लाइनर ज़रूर लगाऊंगी जिससे कि मेरे जो लिप्स की शेप है वो अच्छी बनी रहे। और ये मेरा मैट लिप कलर है, आप चाहें तो अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग भी कलर ले सकते हैं। और थोड़ा सा मैं अपने लिप कलर को क्लीन करूंगी, तो मैं थोड़ा सा ये फाउंडेशन भी आप ले सकते हैं, और मैंने ये कंसीलर लिया है। और ये है मेरा ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर, जो कि मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, इससे जो मेकअप मेरा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक। आई होप आपको मेरा ये मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि आप किस तरह के वीडियोस चाहते हैं, आप प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बताया करिएगा, जिससे कि मुझे थोड़ा इजी हो सके कि आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, किस तरह का मेकअप ट्यूटोरियल आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो मैं आपको बता सकूं, उस तरह की मैं वीडियो क्रिएट कर सकूं। और इस तरह का मेकअप आप इजीली कर सकते हैं, जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं आप उनसे ही ये मेकअप कर सकते हैं। अगर आपका ड्रेस का कलर कोई और है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग, ट्रिक आप यही रखिएगा तो आपका आई मेकअप बहुत प्यारा होगा, बहुत प्रिटी होगा। एंड यू कैन सी माय आईज, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, अगर आप ये लुक क्रिएट करते हैं तो आप मुझे बताइएगा आपने को कैसा लगा ये लुक क्रिएट करके। ऐसी ही नई ट्यूटोरियल के साथ, नई वीडियो के साथ, एक नए लुक के साथ मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। जब तक के लिए बाय गाइज, लव यू सो मच।